अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा। हर वेंसडे और थर्सडे आप सुनते हैं मुझे सुनो एफएम पे प्रोग्राम सेहत से ज़िंदगी में। सेहत से ज़िंदगी में हम हर रोज़ डिस्कस करते हैं एक नया सेहत का टॉपिक। हमने सारे उन टॉपिक्स को डिस्कस किया है अब तक, चाहे वो हेडेक्स हो गए, किडनी के प्रॉब्लम हो गए, बदहजमी हो गया वगैरह वगैरह। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हेडेक। इसके ऊपर हमने एक डिटेल 2 घंटे का प्रोग्राम किया था। आजकल लॉकडाउन का भी ज़माना है, क्वारंटीन है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, तो हर किसी को सर में दर्द होता है। सर में दर्द की बहुत सी वजूहात भी होती हैं और अकसाम भी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सर में दर्द अगर आपको हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमने खाना कम खाया होता है या हमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, या फिर हमने खाना इतना ज़्यादा खा लिया होता है कि उसकी डाइजेशन सही नहीं हो रही होती, और वन ऑफ द मेन रीज़न होता है आपका डिहाइड्रेशन। इसका हल ये है कि आपने पानी बहुत अच्छी तरह ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। आपने चाय या कॉफ़ी या कोला या ऐसी ड्रिंक्स जिसमें कि फिजी ड्रिंक्स होती है वो ज़्यादा नहीं पीनी, वो एक्चुअली आपको मजीद डिहाइड्रेट करती है। पानी की बोतल साथ रख ले और उसको हल्का हल्का सिप करते रहे। इसी पानी में आप लेमन मिला सकते हैं, शिकंजबीन या वाइटामिन सी वाले ऑरेंज जूस वगैरह। जब आप ऑरेंजेस या नेचुरल चीज़ों के नेचुरल फ्रूट्स के जूसेस पियेंगे, ना सिर्फ वो आपकी हाइड्रेशन लेवल को सही रखेंगे बल्कि आपको ये तरह तरह के सर में दर्द नहीं होंगे। जब हम कहते हैं कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया होने लगा है तो वो क्यों है? आपने खाया तो इतना कुछ हुआ होता है, पर हमने चीज़ गलत खाई होती है। आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाना है, आपने रिफाइंड कार्ब नहीं खाना। हम क्या करते हैं, हम पकौड़े, समोसे, नान, पराठे वगैरह खा लेते हैं जो कि रिफाइंड प्रोसेस्ड फ्लावर से बने होते हैं। इसकी जगह हमें खानी चाहिए चक्की की आटे की रोटी, या फिर हाई फाइबर कंटेंट वाला तलबीना जो कि तिब्बे नब्बी में भी आता है, जो दलिया होता है जो कि कॉम्प्लेक्स फाइबर्स में आता है, कॉम्प्लेक्स काम में आता है। वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में और हमें ज़्यादा देर तक एनर्जी देता है। एक और बहुत बड़ा कॉज होता है हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब हमें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि ये इसलिए हमें सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए हमने अपने सोडियम कंटेंट या नमक के कंटेंट को कम से कम रखना है। और वो कैसे हम कर सकते हैं, उसमें ये है कि आप जो भी कैंड या प्रोसेस्ड मीट वगैरह वाली चीज़ें होती हैं जो आपने पैकेट से खाई होती है आप वो ना खाएं, और कोशिश करें कि जो कुछ भी आप पका रहे हैं उसमें भी नमक कम रखें और उसकी जगह बाकी हर्ब्स जिसके अंदर आपका जिंजर या गार्लिक आ जाता है उसका इस्तेमाल कर ले, फ्लेवर को उसके लिए इस्तेमाल कर ले, तो भी आपका हेडेक काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। जहाँ हमने बात की पानी की कमी, हद से ज़्यादा नमक की और हाइपोग्लाइसीमिया की, वहाँ पे ही हम बात करते चले नींद की कमी। नींद की कमी से भी सर में दर्द बहुत ज़्यादा आपका एग्रेवेट हो सकता है। आपने रात की नींद पूरी लेनी है। अब भी आप इशा के बाद अपनी जब नमाज कर लेते हैं तो प्लीज़ अपना फ़ोन बंद करके सो जाया करिए। साथ ही बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ऑक्सीजन, अपने ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन दें, और उसके लिए हल्की फुल्की वर्जिश या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी। सर में दर्द की बहुत सारी अकसाम होती है, इन वजूहात को छोड़ के एक्सेसिव स्ट्रेस लेना, स्ट्रेन लेना, माइग्रेन, टेंशन हेडेक या क्लस्टर हेडेक, उनकी बहुत सारी टाइप्स में आ जाए है। माइग्रेन हेडेक में ये होता है कि आपके आधे सर का दर्द होता है, साथ कभी कभी आपको उल्टी की फीलिंग भी आती है, ऑरा जैसी फीलिंग होती है, कोई खुशबू आती है, कुछ दिखाई देता है, फ्लैशिंग लाइट होती है, और ये यूजली तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर जाएं, बहुत ज़्यादा तेज़ या बहुत ज़्यादा देर के लिए या तो भूखे रहें, बहुत ऊंची आवाज़ को सुनते रहें, कोई भी एक चीज़ आपको ट्रिगर कर सकती है। कई खाने की चीज़ें होती है जैसे चीज़ हो गई, चॉकलेट हो गई, जो कुछ लोगों में इसको ट्रिगर कर लेती है। आप अगर अपने माइग्रेन को सही पहचानते हैं तो उसके लिए रेलिवेंट मेडिकेशन होती है, ट्रिप्टान्स वगैरह मजीद चीज़ें होती हैं आप ले सकते हैं, इन सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स से दूर रह सकते हैं, या फिर कोल्ड पैक इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हेडेक पे आते हैं जिसको हम टेंशन हेडेक कहते हैं। वो एक बैंड की सूरत में आपके होता है हेड के अराउंड, और यूजुअली टेंशन जब इंसान लेता है या स्ट्रेस लेता है तो वो मजीद बढ़ता चला जाता है। ये भी लोग बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसमें उनको थोड़ी सी गर्म सेक देनी चाहिए, थोड़ा सा मसाज करके ये जो पट्ठों वाली जगह है या नेक की स्टिफनेस होती है इसको आप रिलैक्स करेंगे तो भी आपको बहुत आराम होगा। जो तीसरा हेडेक है क्लस्टर हेडेक, उसमें आंख के पीछे बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको होने लगता है और उसके लिए यूजुअली ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। ये सब आपको बताने का मकसद ये था कि हर हेडेक का हल ये नहीं है कि मैंने डिस्प्रिन खा ली या पैनाडॉल खा ली। आपको पता होना चाहिए कि आपके हेडेक का कॉज क्या है, आप उसको सही टाइम पे आइडेंटिफाई करें, और उसको ज़रूर अगर आपको आपका हेडेक बहुत परसिस्टेंट हो गया है या उसके साथ आप फेंट होने लगते हैं या उसके साथ कोई उल्टी आती है या आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी
डेली रूटीन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, विजुअल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कहीं पे आपको वीकनेस फील हो रही है, नमनेस फील हो रही है, तो आपने जाके डॉक्टर से, न्यूरोलॉजिस्ट से पूरा का पूरा डिटेल्ड असेसमेंट कराना है। वो आपका सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह करके देखेंगे कि खुदा ना खास्ता कोई ब्रेन पैथोलॉजी वगैरह तो नहीं है। हमेशा ट्यूमर को भी रूल आउट कर लेना चाहिए, विजुअल प्रॉब्लम्स को, कहीं मेरी विजन इम्पेयर तो नहीं है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, धूप में अच्छी तरह से जाएंगे, वेंटिलेशन अपनी अच्छी रखेंगे, वेल वेंटिलेटेड रूम्स हो, ऑक्सीजनेटेड, कलर्स आपके अच्छे हो अराउंड, आप पॉजिटिव हो, अच्छा सोच रहे हो, अच्छा खा रहे हो, तो आपको हेडेक बिल्कुल इफेक्ट नहीं कर सकता। टू डू लिस्ट के अंदर आता है, आपने ढेर सारा पानी पीना है, अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, आपने खाना एक वक्त में बहुत सारा नहीं खाना, थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहना है। जो आप चीज़ें खा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिकना, चीनी और चावल से परहेज करें। कोशिश करें कि छोटे छोटे पोर्शंस में अच्छे अच्छे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स वगैरह का इस्तेमाल करें। रात की नींद पूरी ले, अपने कमरे को वेल वेंटिलेटेड रखें, जितना टाइम हो सकता है एक्सरसाइज ज़रूर करें, कार्डियो एक्सरसाइजेस करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा रिलैक्सेशन टेक्निक प्रैक्टिस रहे, खुश रहें और खुश रखना सीखें। अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube का ऑफिशियल चैनल।